मतलब मैं आपको डिसअपॉइंट करता हूँ कि एक बोल रहा है देवरानी जठानी तू चढ़, एक बोल रहा तू चढ़, पता नहीं कौन चढ़ेगा क्योंकि वो हाइट पे फोटो क्या आ रही है, साफ आ रही है। साहिल बोल रहा मैं इतना गोरा आ रखा हूँ इसमें। कभी कभी ये सोचता हूँ ना कि मतलब हमारे पूर्वज जब भी यहाँ आए होंगे तो क्या सोच के यहाँ पे आए होंगे, मतलब क्या ही सोचा होगा उन्होंने कि कैसा रहेगा। जब वो लोग आए होंगे, कुछ ही लोग आए होंगे यहाँ पे, मतलब ये गांव भी उतना बड़ा नहीं रहा होगा, ये छोटा सा गांव रहा होगा। फिर उन्होंने यहाँ से खेती बाड़ी स्टार्ट करी, फिर यहाँ पे गाय भैंसें रखी, तब जाके यहाँ पे रोड आई होगी, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है। लेकिन क्या ही सोच के करा होगा उन्होंने, मतलब उनको क्या पता था क्या कि मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए तब यहाँ पर सर्वाइव करना और कितना आसान हो गया हमें अब यहाँ पर सर्वाइव करना। तो वो सब उन लोगों का मेहनत है, जो उन्होंने मेहनत तब करी थी वो आज हम उस चीज़ का फल ले पा रहे हैं, उस चीज़ की खुशी ले पा रहे हैं हम, तो वो सब उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है मेरे इन खेतों से हो रही है, क्योंकि यहाँ से ना हमारा गाँव देखो कितना प्यारा लग रहा है। और एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, यहाँ से है ना हमारा होम स्टे भी एकदम मस्त सामने दिख जाता है भाई। वहाँ पे देखो गेस्ट भी दिख रहे हैं, मतलब वो अपना तुंगनाथ का ट्रैक ख़त्म करके आ गए, तो वो ना अभी रेस्ट कर रहे हैं, कल आए थे वो। और दादी देखो वहाँ पे बैठी हुई है। और अगर आप भी कभी चौपटा तुंगनाथ की तरफ आते हो ना तो यहाँ विज़िट ज़रूर करें भाई, ऐसी जगह आपको स्टे करने को मिलेगा इन पहाड़ों के बीच में। माँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मम्मी देखो यहाँ पे ना आज नाश्ते में बना रही है पराठे, क्योंकि गेस्ट हैं, तो गेस्ट जब रहते हैं तो नॉर्मली हमारे यहाँ पराठे ही बनते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट थे ना वो थे कोलकाता से, बंगाल से, और ये है हमारे रोहन भैया। कैसे हो? बहुत अच्छे भाई। ग्रुप मेंबर है, सबसे इंट्रोड्यूस करवाओगे क्या? बोलो बोलो बोलो, नाम बोलो। हाय माय नेम इज तन्मय। हेलो कोलकाता। आई एम तियाशा। हाय तियाशा। सौरभ। सौरभ। अंजिष्णु। अंजिष्णु। अनिर्बान। अनिर्बान। और ये है रोहन भैया। बहुत अच्छा ट्रिप था, आप ही ने ऑर्गेनाइज किया अच्छा, अच्छे से लक्ष्मी होम से, बहुत अच्छा जगह सारी में बहुत अच्छा लगा। इधर से फिर देवरिया ताल गए, देवताल में कैंप स्टे था, फिर कैंप स्टे के बाद चोपता गए, चोपता पूरा ट्रैक करके बहुत अच्छा व्यू था, सीनरी बहुत अच्छा था, फॉरेस्ट ट्रैक था, ऊपर गए फिर चोपता से घूम के हम लोग गए, नेक्स्ट डे 2 बजे निकले, फिर उधर से जाके हम तुंगनाथ गए, तुंगनाथ चंद्रशिला समिट किए, सनराइज़ देखे, बहुत अच्छा व्यू था, सबने बहुत इन्जॉय किया होगा। बस यही, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टे में? बहुत अच्छा स्टे था, स्टे और खाना तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। होम स्टे में, कैंप साइड में कोई दिक्कत तो नहीं हुई कहीं भी? थैंक यू आप लोगों, बढ़िया। मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे से मैं इसको संभाल पाऊँ, लेकिन आप लोगों ने भी थोड़ा कोऑपरेट किया और बढ़िया से हो गया सब कुछ। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा संभाल लिया आप, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, बस यही। थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ट्रिप पे कहीं। ओके, थैंक यू, बाय। ये हमारे राहुल चाचा, कैसे हो चाचा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और चाचा से ना लगभग जब हम क्रिकेट खेलते थे ना तब ऐसा होता था, हमेशा मुलाकात होती थी, और जब से बीच में ये भी हिमाचल चले गए थे मुलाकात ही बहुत कम होती थी। मतलब अब जाके फिर से वो सीजन आ रहा है, फिर से शायद और मुलाकातें होंगी। मतलब एक गांव में होते हुए भी ना सब काम में तब मिल नहीं पाते, इतने बिजी हो जाते हैं सब लोग, लगे रहते अपने काम पे, थोड़ा थोड़ा मुलाकातें होती हैं तो उन्हीं में हम लोग आराम से हो जाता है। सबसे पहले बधाई हो यार तेरे को। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू चाचा, थैंक यू, थैंक यू। करवाएंगे, जरूर करवाएंगे यार, आप लोगों का प्यार है बस। को तो हम ग्रुप कोऑर्डिनेटर रखा था इनको, वो भी ग्रुप को ना बस टाटा बबाई करने के लिए आए हैं। और पापा की तैयारी भी हो गई शॉप के लिए। ठीक है पापा, बाय 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 बाय। सब चले गए, अब देखेंगे शाम को बताएंगे वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाय। वहाँ से बाइस लग रहा हूँ यार। कभी कभी ना मेरे को थोड़ा सा दुख भी होता है कि मतलब मैं आपको डिसअपॉइंट करता हूँ कि आप मेरे को पहाड़ों के लिए देखते हो कि ये पहाड़ दिखाएगा, नई नई जगह दिखाए, नई नई जगह विजिट करेगा, लेकिन ये दिखाता नहीं है। तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपको वो दिखा नहीं पाता हूँ, मैं अपनी लाइफस्टाइल ही ज़्यादा दिखाता हूँ, लेकिन
एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं आपको ना पूरा पहाड़ों पर पूरा ट्रैवल करवाऊंगा, कैसे कैसे लाइफस्टाइल। एक टाइम मतलब अभी ये मेरा काम करने का टाइम है तो मैं इसीलिए काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ क्योंकि गेस्ट अब मेरा होम स्टे का पूरा काम है। तो मैं अगर बाहर जाऊँगा वो पूरा वर्कलोड मम्मी पापा पे आ जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मम्मी पापा पे इतना प्रेशर आए। पहले ही वो प्रेशर में है और ज़्यादा प्रेशर में आ जाए, तो इसीलिए मेरे को घर पर रहना ही पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि जब मैं आपको पूरा पहाड़ों पर मतलब ट्रैवल करवाऊंगा, पूरी पहाड़ों की रीति रिवाज कल्चर कैसा कैसा रहता है, सारे मंदिर सब कुछ दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, जैसा आप प्यार दे रहे हो वैसा ही देना है। और नई नई ऑडियंस अगर हमारे साथ जुड़ती रहेगी, नया नया प्यार आता रहेगा, तो आपको ज़रूर मैं एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भरपूर पूरा पहाड़ दिखाएंगे। बस थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और देखो दादी भी आ गई नाश्ता करने के लिए। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितना है दादी शुगर, कितना है तेरा? 108 हो गया। पहले कितना था देहरादून में? देहरादून में कभी 130 कभी 150। अब कम हो गया? नहीं पता नहीं, अब कम हो गया ना घर आके। तो चलो बाकी अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ते में ना आज मम्मी ने पराठे बनाए हैं, और पराठे गुड़ के साथ कभी ट्राई करिएगा, बहुत मजा आता है। इस पे है जूस और ये है अचार। 3 hours later हो गई छुट्टी। सुबह कितने बजे उठता है तू? सुबह कितने? तू झूठ बोल रहा है ना? साहिल कितने बजे उठता है? इनको पता होगा 5 बजे। और साहिल बोला 4 बजे उठता है, कैमरा देखे नियत फिसल गई साहिल की। पकड़ा गया साहिल। इसके बाद घर छुट्टी कितने बजे होती है? सोते आप बिल्कुल सोते ही नहीं हो? अब जाए घर जाके सोएंगे सीधे रात को? किसने जाएंगे आप? अरे भाई हाँ उज्जवल तू क्यों परेशान है यार इतना? है उज्जवल? हाँ उज्जवल बहुत परेशान हो रखा है। फोटो क्या आ रही है, साफ आ रही है? साहिल बोल रहा मैं इतना गोरा आ रखा हूँ इसमें। है साहिल कैमरा साफ है? अब ये बढ़िया हो गया नहीं? अरे नहीं यार ये तो है यार वीवो का है ये मैंने स्टीकर लगा रखा। झूठ बोल रहा है। चलो गल मिलता है तुमसे, ठीक है? ओके बाय 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 बाय। दौड़ के जाओ जाओ घर। गुड। आज दिन को तो कुछ काम था नहीं, लेकिन आज शाम को ना बहुत सारे काम है। आज ऐसा काम है, पहला तो हमें जो ये न्यार काट के हमने यहाँ पे रखा था ये सारा उठा के ना आज पेड़ों पे लगवाना है। इसलिए मम्मी ने आज 3 बजे ही मेरे को उठा दिया और बोला कि यहाँ से न्यार उठा के ना पेड़ों पे लगा देना। उसके बाद कुछ बजरी भी आ रही है तो वो बजरी भी निकाल लिया, क्योंकि घर पे अब तो कुछ दिनों में काम होने वाला है, तो वो बजरी भी पहुंच गई है, तो उसके बाद वो भी उतरवानी है। और ताई भी आ गई खेतों में। नींद नहीं है तेरे को? जरा सो जाती आराम करती ना। अरे हाँ यार क्या करें, काम करना है क्या करें। स्कूल से आते आते उस छोटी बच्ची ने अपनी मम्मी की हेल्प भी कर दी है, मतलब कि वो सोच रही होगी कि मम्मी जब तक मतलब क्या होता ना बहुत सारे खेत होंगे तो मम्मी लेके आ रही होगी, तो उसने मम्मी को बोला होगा मम्मी तू ऐसा कर ले मेरा बैग मतलब दोस्तों के पास बैग दे दिया, तो वो थोड़ा सा कुछ कम कर दिया अपनी मम्मी का भाड़ा। तो ये मतलब होता ही है ये हेल्पिंग नेचर, कितना मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है वो स्कूल से थक हार के आई होगी, फिर यहाँ से वो इतना बड़ा भाड़ा लेके जा रही है घर तक, तो सब कुछ संभालना पड़ता है। तो भाई बजरी तो हमने यहाँ पे उतार दी है, और अब ना सबसे मेन टास्क ये है अब इसको यहाँ से ऊपर पहुँचाना है। तो ये रहता है भाई मतलब लाना, पहले वहाँ से भरो लेके आओ फिर यहाँ से ऊपर चढ़ाना, इसलिए पहाड़ों पे ना कंस्ट्रक्शन के काम ना थोड़े से महंगे हो जाते हैं। अब ये वाला न्यार ना वहाँ सामने लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पेड़ पे लटकाना है। ताई और मम्मी काट रहे हैं अभी न्यार, और मेरे को लेके जाना है ये ऊपर। ये वाला जो न्यार है ये वाला ना इसी खेत का है, और ये वाला जो न्यार है वो इस वाले खेत का और उस वाले खेत का है जिसमें ताई लोग काट रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया ये, अब यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है और फिर वैसे चढ़ाना है जैसे ये चढ़ा रखे हैं। और अभी धूप भी देखो सामने तक चली गई है, और आजकल ऐसा हो रहा है जैसे ही धूप जा रही है ना वैसे ही सीधे अंधेरा होने लगता है, तो आजकल काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटाना पड़ता है। ठीक है एक बोल रहा है देवरानी जठानी तू चढ़, एक बोल रहा तू चढ़, पता नहीं कौन चढ़ेगा क्योंकि वो हाइट पे मम्मी को भी डर लग रहा था, ही बोल रही मेरे को थकान लगी बस मैं चढ़ता हूँ रुक जाओ मैं जाता हूँ ऊपर।
अब ताई जाएगी इस वाले खेत पे और मैं दूंगा ताई के पास, यहाँ से जो न्यार है ना वो पास कराऊंगा, फिर वैसे ही लटकाना जैसे सब लटकाए हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेड़ों पे ही क्यों टांगते हैं, ऐसे जमीन पे भी रख सकते हैं, लेकिन पेड़ों पे क्या होता है ना, जैसे बर्फ पड़ती है ना, फिर उससे सारा पानी ऐसे चू चू के नीचे निकल जाता है और ये खराब नहीं होता है। तो यही रीजन है कि न्यार को हमेशा पेड़ों पे लटकाया जाता है। और ये देखो लोगों की तैयारियां भी हो गई घर को आने की, जो खेत गई होंगे जो महिलाएं, सब लोग अब निकलते हैं क्योंकि अंधेरा होने लग गया, सब लोग घरों की तरफ लौटने लगे हैं। तो भाई फाइनली हमने अपना न्यार लगा दिया है, कुछ इस पे लगाया, कुछ इस वाले पे लगाया और कुछ ना इस पे लगाया, तो फाइनली हमने तीन पेड़ों पे लगाया, तब जाके हमारा न्यार कंप्लीट हो गया और हमारी आज की छुट्टी भी हो गई। सब अपने काम निपटा के घर पे आ गए, पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गई, दादी भी आ गई और मैं भी आ गया। आपका भाई अभी आ रहा है यार। अच्छा ये लो पेट्रोल ले आए वहां से। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग बैठ गए अपने डिनर के लिए और पापा आप कमेंट पढ़ते हैं क्या? एक भाई बोल रहे थे ना वो भू कानून, इसके लिए भू कानून के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? भू कानून तो बताए रहे हैं कि बोला वो भू कानून अपनी जमीन है मत बेचो वल। अरे एक्चुअली भू कानून में क्या होता है ना कि उत्तराखंड में अगर भू कानून लागू होगा जैसे हिमाचल में, तो बाहर के लोग आके जमीन नहीं खरीद पाएंगे। अब उससे क्या हो रहा है कि यहाँ सारा यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं जमीन बेचने, प्लान कर रहे हैं। सही बात, प्लान बच जाएगा ना फिर। मैंने धामी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा था, उन्होंने बोला था कि हम इस पे जोर शोर से जितना काम हो सके हम करेंगे और पूरा ध्यान देंगे। उन्होंने केदारनाथ में जाकर भी बोला था कि मैं इस पवित्र धरती पे आके मैं अपनी उत्तराखंड की जमीन को कहीं, मतलब जो ब्रोकर आते हैं ना बाहर से जो यहाँ पे धंधा करते हैं, जमीन बेचते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, बाहर वाले लोगों को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उनका मानना ऐसा है कि उत्तराखंड के लोगों को ही व्यवसाय मिले, वो लोग यहाँ पे काम करें, जो लोग यहाँ के हैं उनको मूल निवास मिल पाए। तो इस पे धामी जी काम कर रहे हैं। बाकी भाई आपका भी सही सोचना था कि हम मतलब जो सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं उन लोगों को बोलना चाहिए, पर हमारा बोल के भी क्या फायदा, जब तक गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर पाएगी तो हम भी क्या ही बोलेंगे। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे ध्यान दे रही है, अपना मूल निवास आ जाएगा, भू कानून आ जाएगा। बाकी अभी हमारा डिनर रेडी हो गया, डिनर मम्मी ने बनाया, खिचड़ी बनाई है और यहाँ पे है रायता। बाकी करते हैं हम डिनर और करते हैं आज के इस ब्लॉग को ये पेंट, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि।